أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं हम उसकी तारीफ करते हैं और उससे मदद और माफी तलब करते हैं हम पन्ह मांगते हैं अल्लाह वजल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का अरदार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं और गवाही देते हैं कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बन्दे रसूल है और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर उनके अहलआल पर उनके साहबा पर असल वरम्हि वर्कात हदीस नंबर थर्टी सेवन हनिबन अब्बास रदील्लाम अर रसूल सल्लाम फ़ीमा यरवी अर रबी عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن همّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مائة. ضعف الى اضعاف كثيره، وإن هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده. رواه البخاري ومسلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبارك وتعالى في روايه حدیث حديث ہے الله تعالى نے नेकियां और बुराइयाँ लिखती है फिर उसकी वजाहत यू फरमाई है कि जो शख्स नेकी का इरादा करे अभी इसे अमल ना किया हो अल्लाह ताला इसे अपने यहाँ मुकम्मल नेकी दर्ज फरमा देते हैं और अगर नेकी का इरादा करके इस पर अमल भी कर ले तो अल्लाह ताला इस एक नेकी को अपने यहाँ दस गुना से लेकर सात सौ गुना बल्कि इससे भी कभी कई गुना ज्यादा लिख लेते हैं और एक अगर इंसान सिर्फ बुराई का इरादा करे और इस पर अमल ना करे तो भी अल्लाह ताला इसे अपने यहाँ मुकम्मल ने की लिख लेते हैं और बुराई के इरादा करके अमल कर ले तो अल्लाह ताला अपने तहा इसे सिर्फ एक ही गुनाह लिखते हैं यह हदीस खुदसी है और हदीस खुदसी क्या है इसको हम पहले ले चुके हैं इस हदीस में अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है और कितने 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 अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है हमको ये पता चलता है तो हमें अल्लाह ताला जब इतने हम पर मेहरबान है तो उस अल्लाह ताला से हमें कितनी मोहब्बत करना चाहिए उस अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करना चाहिए ये सोचिए नेकी मल्टीप्लाइड बुराई नहीं किए तो भी नेकी इफ कर दिए तो सिर्फ एक गुना सुबह इसके रावी इब्ने अब्बास ताला है। इनके पहले हम ले चुके हैं यह हदीस की खासियत यह है कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तु ने डायरेक्ट आपसे सुनी क्योंकि इब्ने अब्बास रजील तु बहुत छोटे उम्र के थे जब आप का इंतकाल हुआ नेकी का इरादा करे लेकिन अमल ना कर पाए तो इरादे की वजह से नेकी लिखी जाएगी और अगर अमल कर ले तो दस से सात सौ गुना तक भी ज्यादा किया जा सकता है गुना का इरादा करे और अमल ना करे तो भी नकी लिखी जाएगी और अगर अमल कर ले तो सिर्फ एक बुराई अल्लाह ताला की रहमत और फजल कितना ज्यादा है हमको यहाँ से पता चलता है यही सेम बात अल्लाह ताला ने हमें कुरान में भी बताया है नाम आयत नंबर वन सिक्सटी में फलो अगर कोई एक नेकी के साथ आता है तो उसको टेन टाइम्स उस जैसा रिवॉर्ड मिलता है एक एक बुराई का एक ही मिलेगा और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे नहीं कि सुरे यूनस में, भी आता है, आयत में भी आता है जो नेकी करके आएगा इसे इससे बेहतर अजर मिलेगा और जो बुराई का मुस्तक होगा तो बुरा काम करने वालों को सिर्फ इनके अमाल का बदला दिया जाएगा अल्लाह रहमत का शायद अंदाजा भी लगा नहीं सकते हैं क्योंकि सुरहुद में आता है बुराइयों को मिटाते भी हैं। अब आप देखिए जैसे वजू करते हैं तब भी गुनाह धुलते हैं एक सहावी ने आप सल्लाह से वजू का तरीका पूछा तो आप सल्हे ने बताया जब तुम वजू करो तो अच्छी तरह हाथ धोलो तुम्हारे हाथों के गुना तुम्हारी उंगली और नाखन के नीचे तक से निकल जाएंगे और जब तुम कुल्ली करो नाक में पानी डालो चेहरा और कोनियों तक बाजू धो सिर का मस और तखनों तक पाव धोकर फारे हो, तो तुम अपने तमाम गुनाहों से पाक हो जाओगे और जब इसके बाद अल्लाह ताला के करो, तो गुनाहों से यूं पाक हो जाओगे जैसे कि आज ही पैदा हुए हो तो अब आप देखिए कि अल्लाह तला की कितनी रहमत है सबसे पहले कोई भी अमल को जाने नहीं देना है वो रिकॉर्ड हो रहा है एवरी अमल हर ने की रिकॉर्ड हो रही है जैसे कुरान में आता है कुरान में सुर कमर आयत थे फिफ्टी थ्री वकुल्लुर हर छोटी व कबीरन पर बड़ी मुस्तर लिखी जाती है कोई चीज़ अल्लाह ताला के केम के बाहर नहीं है हम इंसान हैं कई दफ़ा बुरे ख्यालात हमारे दिल में आते हैं लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला हमें उसके लिए पकड़ते नहीं हैं शैतान अटैक करता है वस डालता है लेकिन उस वसी पर अमल ना करने करे तो भी नेकी है सुभान अल्लाह तो जब दिल में ख्याल आए कि मुझे क्या मिलेगा मैं बुरा नहीं करूंगी तो सब्र करेंगे वो भी नेकी है और नेकी का इरादा करे तो वो काम पूरा न कर पाए तो भी एक कंप्लीट नेकी लिखी जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि आप इरादा कर लो और अज्र पूरा मिल जाएगा करके कोशिश करे लेकिन किसी मजबूरी की वजह से रुकावट की वजह से रुक गए अमल ना कर सके तो फिर पूरा रिवॉर्ड लिखा जाएगा इनशाला लेकिन मेहनत करने वाले ऐसा नहीं कि इरादा करके मेहनत नहीं किए क्योंकि मेहनत करने वाले और नहीं करने वाले दोनों बराबर नहीं होते जैसे सूर्य निसा आयत नंबर 95 में आता है लाइस्तविल कायदूना मिनल मुमिनीन बैठने वाले और स्ट्रगल करने वाले मोमिन दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं तो वो जो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता तब अल्लाह ताला पूरी नेकी उसके लिए लिख देते हैं फिर जब दिल में वसवसा आता है शैतान की तरफ से और अल्लाह के डर से वो बुरा काम नहीं करता है तो फिर उसको मतलब वो बुराई से बुराई से जब अल्लाह के डर से रुकता है तो फिर उसके लिए एक नेकी लिख जाती है लेकिन अगर कोई बुराई करने का पक्का इरादा कर लेता है लेकिन कोई रुकावट की वजह से वो गुनाह नहीं कर पाता तो उसके लिए निकी नहीं लिखी जाती जैसे दूसरे अहादी से भी साबित है अगर दो आदमी कत्ल करने के लिए निकले एक मारा गया एक मर गया दोनों के लिए गुनाह है क्योंकि दोनों भी कत्ल का इरादा रखते थे जो स्ट्रगल करके एक्चुअली अमल करता है उसको और ज्यादा नेकी मिलती है अब आप देखिए अगर इरादे पे ही एक नेकी लिख दी जाए और स्ट्रगल करने वाले को भी एक नेकी लिखे तो फिर क्या इंसाफ होगा नहीं होगा इसलिए इरादे पर एक नेकी और स्ट्रगल करके एक्चुअली अमल करने वाले को अल्लाह ताला क्या करते हैं स्ट्रगल के लिए स्ट्रगल की वजह से मल्टीप्लाइड अजर लिखते हैं और वो भी कितना मल्टीप्लाइड टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स टेन टाइम्स सेवन हंड्रेड टाइम्स तक से इंफिनिटी तक बगैर हिसाब जैसे आयत नंबर में भी आता है बेशक पूरा करके दिया जाता है सब्र वालों को अजरहुम उनका बगैर हिसाब हिसाब के और यहां पर अल्लाह तला बताए नहीं काउंट कितना मिलेगा अल्लाह खुद डिसाइड करेंगे शायद हमारे स्ट्रगल struggle, स्ट्रगल्स के ऊपर डिपेंड करेगा शायद स्ट्रगल्स के पीछे कितने फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करेगा उसके हिसाब से अल्लाह ताला हमको उसका अजल देंगे इस हदीस से यह पता चलता है क्या दिल के हालात भी रिकॉर्ड हो रहे हैं क्योंकि दिल में अगर इरादा हो तो देखिए आप इरादे की भी नहीं की इरादे तो दिल के हालात भी रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इसलिए दिल को पाक रखना बहुत ज़रूरी है दिल में अच्छे ख़्यालत लाना बहुत ज़रूरी है दिल में हमेशा अच्छे का इरादा करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा नेकी का इरादा करना है अल्लाह ताला ओपन रखे हैं वी डोंट इवन नो कि अल्लाह ताला कितना अजर रखे हैं तो दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला हमें बेनतहा अजर दे और हर अमल को बेस्ट दर्जे बेस्ट के दर्जे पर करना है करने की कोशिश करना है ताकि अल्लाह ताला बेगैरी हिसाब हमको दे अल्लाह ताला हमारे दिलों को हमेशा हमेशा पाक रखे और हमारे दिलों में नेकियों का ख्याल डालते रहे और उसको करने के हमारे लिए सोर्स अल्लाह बनाए रास्ते हमारे लिए आसान बनाए और नेक लोगों में हमें शामिल करके हमारे अमाल को अल्लाह ताला कबूल कर ले